ये बड़ा वो देखने आए होंगे कि ये तो हमारा माल है। फिर उन्होंने डंप करना शुरू कर दिया। डंप करते करते उनका कोठा भर गया, फिर लीकेज शुरू हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास माल पड़ा है, आप लोगे दे दो। फिर मैं गया तो मुझे ट्रक भेजा, उतारा, बंदे भेजे, उतार के ले आए। अगर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया उनको खुद आ गई कि हमारे माल से ये बनाया हुआ था। सर इतनी बड़ी ज़मीन गवर्नमेंट की थी, जब आपने बनाना शुरू किया तो इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया? ये बता रहे हैं सर कि मतलब इतनी बड़ी ज़मीन जो थी ये गवर्नमेंट की थी, तो आपने बनाना शुरू किया किस टाइम से? देखिए मैं PWD में नौकरी करता था, ये सारी नदी ज़मीन ही PWD के होती थी, तो यहाँ खाली थी। मुझे प्लानिंग का पता था, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बननी। मैं यहाँ स्टोर बना के खाली ड्रम रख के तो बैठ गया। ये ड्रमों की दीवार देखी ना आपने, ऐसे ड्रम मैंने लगा दिए थे। अब तो ये कंक्रीट के बना दिए मैंने, पहले वो दूसरे थे। तो अंदर बनाता रहा, कोई को पता नहीं कुछ। तो इसके पीछे किसी को मैं लेता भी कुछ नहीं था, अपने हाथों से बनाता। सर पूरा आपने हाथों से बनाया अकेले? हाँ। पहले अब तो बनवाता हूँ मैं। फर्स्ट फेज इसके ऊपर बहुत बड़ी मजदूरी की है मैंने। पत्थर पहाड़ों से साइकिल पे ढोके लाया करता, बड़े काम साइकिल पे कर रहा था। सर आज सड़क की यदि बात की जाए तो जितने भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हों चाहे ईस्टर्न कंट्रीज हों, सभी की सभी में हर किसी के मतलब उसमें फ़ोटो खींची हुई है और बुला के ले जाते हैं स्पेशल रॉक गार्डन वगैरह बनवा। हाँ मैंने बनाया, वर्ल्ड में ये फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस। सबसे पहले मैंने 1980 में बनाया पेरिस में, उसके बाद बनाया अमरीका में वाशिंगटन DC में, कौन से सन में? 85 में। फिर उसके बाद बनाया मैंने मैड्रिड में, अब बल्कि कई देशों में तो नेक्स्ट फाउंडेशन के नाम कौन से ईयर में? लंदन में कौन से ईयर में आपने? मैड्रिड में। यस सर, कौन से ईयर में था? मैड्रिड में। यस सर, मतलब ईयर, साल कौन सा? साल ईयर, साल है मुझे याद। अब बल्कि नेक्स्ट चंद फाउंडेशन के नाम से काफी देशों में बल्कि फाउंडेशन खुले हुए हैं। बाहर के जो लोग हैं ना उन्होंने नेक्स्ट फाउंडेशन बना ली है, वो आते हैं हर साल यहाँ वॉलंटियर बेस पे सीखने के लिए, खुद भी आते हैं हर साल की साल फेस्टिवल करते हैं यहाँ आके। वो यहाँ पर रिसर्च वगैरह करने के लिए भी वेस्टर्न कंट्रीज से बल्कि पीछे भी एक लेडी आई और थी। अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हैं, फिर वो मेरे पास भेजते हैं बंदे कि हमें ऐसे ऐसे बताओ, तब मैं चला जाता हूँ। प्लास्टिक वेस्ट को कैसे रोका जाए, जो आजकल ये हमारी फ्रूटी से पैकेट्स वगैरह होते हैं इन सबको, जो ये प्लास्टिक भी इस्तेमाल करो, अगर नहीं है तो इकट्ठा करके ले आओ तो मैं आपको सिखा दूंगा ऐसे करो। तो वेस्टेज को तो खैर ऐसी बात नहीं है, जब मान लीजिए सर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम भी किसी जरिए से रोक सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि उससे कुछ खास बनाने वाली बात हो, यदि मान लीजिए ना बन पा रहा हो तो कम से कम उसको रोक किया तो जा सकता है। जैसे अब खाने वाली वेस्टेज थी, उसको कम से कम रोक किया जा सकता है। यदि मान लीजिए हम दो रोटी की भूख और दो ही खाते हैं, तो जो दो रोटी की जो वेस्टेज हुई है ना, तो वो दो रोटी वेस्टेज हमारे भारत में ही आपको दिखाई देगा कि कितने लोग ऐसे होंगे जो बेचारे भूखे सोते होंगे। खास करके जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे प्रांत जितने भी हैं, तो उनमें पावर्टी जहाँ पर ज़्यादा है तो उसमें क्या है। तो यहाँ पर यदि हम बताते हैं तो सीधी सी बात उनको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि सरकार यहाँ से उठा करके और वहाँ भेज देगी। तो बेचारे गरीब आदमी को मान लीजिए एक जून की रोटी के बजाय दो जून की रोटी मिल जाए, तो उसमें क्या बुराई है बताओ।
तो कहने का मतलब ये है कि वेस्टेज को रोका जा सकता है, चाहे वो खाने की हो, चाहे प्लास्टिक की हो या किसी प्रकार की। ब्याह शादियों में देखा ना, आप लोग थाली भर लेते हैं, आगे खाते हैं, बाकी की ऐसे नहीं होना चाहिए। उतनी थोड़ी ले लो, फिर दोबारा ले लो जाके, ताकि खराब ना हो कोई चीज़। तो आम लोग आप देखोगे डस्टबिन जो उन्होंने डब्बे रखे होते हैं, प्लेटों की प्लेटें पड़ी होती हैं खाने की बची हुई, वो उसको बचाते ही नहीं है, वेस्ट करते हैं। थोड़ा खाओ तो और ले लो दोबारा, फिर खा लो फिर ले लो दोबारा, एक चार दफा को मना थोड़ा करता। अगर हम एक ही दफ़ा थाली भर लेंगे, खाई उतनी जाएगी नहीं, जाके डाल देंगे। बोलो सर, ये बनाने का आपको आइडिया कैसे आया? शुक्रिया। मुझे शौक उठ गया तो मैंने वेस्ट इकट्ठी करनी शुरू कर दी। पहाड़ों पे जाता था, पत्थर लेके आता था और सब माल अपने साइकिल पे ढोया करता था मैं। मतलब कौन सी एज में? छोटे होते आइडिया कैसे आ रहा है? छोटे होते ही आइडिया कैसे? बचपन से ये बता रहे हैं कि कौन सी एज में शुरू, मतलब जॉब में थे यहाँ पर मैं उस वक्त का तो मेरा ख्याल है, देख लो पता नहीं मुझे एज का, पर 1958 में शुरू किया मैंने। और उस टाइम पे मैं उस वक्त 23-24 साल का होगा। और पीडब्ल्यूडी में बता रहे हैं सर कि पीडब्ल्यूडी में नौकरी करते अभी कितने? अब काउंट कर लो कितने साल सर, आगे क्या सोचा है? और बढ़ाएंगे इसे या बस और इसे बढ़ाएंगे या इसे भी रखेंगे? ये बन रहा है, आप कहाँ तक देखे आए हो? थर्ड फेज तक, फिर वापस आना पड़ता है ना इसको। मैं वन वे कर रहा हूँ, वापस भी आना पड़ेगा, आगे से आगे एग्जिट में आ जाएंगे। एंट्रेंस और एग्जिट यही रहेगी, मगर आगे से आगे निकलते ही चले आएंगे आप, और देखने को भी नया मिलेगा आपको। ध्यान रखना वो ठीक रहेगा। किसी ने गाना तो सुनाया नहीं मुझे, कोई है भी तो गाना सुनाएगा? साहिल जा सुना दो जरा, बहुत अच्छा लग रहा है। सिंगर को बुला, शोक सुना दे। फ्रूटी का क्या पीछे मेरा बैग एक बार क्या होता है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, ठीक है, तो इंडियन आर्मी थोड़ा कम होती है और पाकिस्तान आर्मी थोड़ा ज़्यादा होती है। तो इंडियन आर्मी में ऑफिसर थोड़ा कम होते हैं, तो सिपाही थोड़ा अपने दिमाग लड़ाते हैं। सिपाही कहते हैं यार कैसा मारा जाए पाकिस्तानी को, तो सिपाही अपने आपस में कमेटी बैठाते हैं, तो उनमें से एक आइडिया निकलता है, बोलते हैं इन पाकिस्तानी को नाम ले लेके मारते हैं। बोले ठीक, तो सिपाही अलग अलग बंकरों में छिप जाते हैं, वहाँ से आवाज़ लगाते हैं, बोले जावेद अख्तर। तो पाकिस्तानी सिपाही बोलते जी सर जरूर, तो वहाँ से फायर करता है धिशका और बंदा अब एक बंकर में हो गया, दूसरे बंकर से आवाज थी, बोला इफ्तिखार चौधरी, इफ्तिखार बोलता है, ठीक है, बोलता जी जी जी, तो फिर से फायर होता है, इसका वो भी खत्म खत्म। मतलब गोली चलती रहती है, पाकिस्तानी सैनिक दिमाग लड़ाते सोचते हैं हमारा कोई अफसर है वो आवाज़ मार रहा है, वो जी हजूर कहते हैं, सारे चले जाते हैं। अब जो उनका ब्रिगेडियर होता है थोड़ा उसको नॉलेज होती है, ब्रिगेडियर कहता है ये क्या हो गया, ये तो मेरे सैनिक ऐसे मारे जा रहे हैं बिल्कुल, वो अपना दिमाग लड़ाता है, बोला इनकी मैं ट्रिक इन्हीं को अपनाता हूँ, वहाँ से नाम लेता, बोला महेश यादव कोई नहीं उठता, राजेश चौधरी कोई नहीं उठता, फिर बोलता अभिषेक यादव फिर भी कोई नहीं उठता, तो बेचारा बड़ा मायूस हो जाता है और फिर अपने बंकर में बोलता यार बड़े समझदार हैं। तब से फिर इंडिया की तरफ से आवाज आती है, बोले कि महेश यादव कौन बुला रहा था, बिगड़ी था मैं। एक और है, अच्छा एक और है, एक बार क्या होता है, आप लोगों ने पायलट की ड्रेस देखी होगी, जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट होता है वो नॉर्मल शर्ट या पैंट नहीं पहनता है, उसकी चेन और दूसरी ड्रेस होती है। तो एक बार क्या हुआ, एक सार्जेंट होता है जो नॉन कमीशन ऑफिसर होता है, तो उसकी एक बार ट्रांसफर हो रहा होता है, तो उसका पुराना कमांडर क्या होता है, उसको इंग्लिश में थोड़ा कम होती है, उसका पुराना कमांडर क्या करता है, उसके रिमार्क में लिख देता है कि ऐसे इंग्लिश में लिख देता है रिमार्क में, कि उसके नए कमांडर के लिए लिखता है कि सर दिस सार्जेंट इज वेरी गुड एंड ही कैन डू वेल फॉर द कंट्री, बट ही हैज़ अ वेरी बैड हैबिट ऑफ गैम्बलिंग, ये शर्तें बहुत लगाता है और ये बहुत ख़राब आदमी है। तो बोला सर अगर आप इसकी गैम्बलिंग की हैबिट अगर आप सुधार दोगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है। वो सार्जेंट पढ़ नहीं पाता, उसको इंग्लिश में लिखा होता, नया कमांडर के पास जाता, नया कमांडर होता पायलट,
तो वो नया कमांडर उसने देखता है, उसका रिमार्क देखता है, बोला अच्छा, बोला सर्जेंट यू इमीडिएट, बोलता कि ये क्या लिखा तुम्हारे वहाँ पर, यू आर अ गैम्बलर, बोला दिस इज वेरी बैड फॉर इंडिसिप्लिन, आई डोंट वांट दिस माई स्क्वाडन, तो बी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट डे, बोला सॉरी सर आई विल नॉट रिपीट दिस एंड दैट, उसको थोड़ा डांट पड़ती है, बोला ठीक है। अब वो जा रहा होता तो कमांडर बहुत खुश हुआ था, बोला यार डांट दिया मैंने सर्जेंट है नॉन कमीशन, मैंने उसको धक्का मार दिया, तो वो जा रहा था, कमांडर ऐसे हंस के में रुकता, बोला अरे रुको सर्जेंट, बोला यस सर, बोला यार चलो तुम गैम्बलिंग तो करते हो, चलो बताओ कि किस चीज़ में गैम्बलिंग करते हो आप, शर्ते लगाते हो, किस चीज़ में शर्त लगाते हो, तो बोला सर ऐसी नहीं एग्जैक्टली एनीथिंग कुछ भी, बोला एनीथिंग वॉट, बोलता सर जैसे मैं भी शर्त लगाता हूँ कि आपकी दाहिनी बाजू में तिल है, वो बोलता है वॉट, बोला नहीं सर पक्का शर्त लगाता हूँ, अगले मैं अपने अगले महीने की पूरी पे शर्त लगा देता हूँ कि आपकी दाहिने बाजू में तिल है, वो फट से कमांडर क्या करता है पायलट ड्रेस खोलता है, बोला वो सर इसमें है ही नहीं, कमांडर बोला यूडियट रखो अपने पैसे, अब वो चले जाता है, कमांडर बड़ा खुश हो जाता है, ओके, और वो इतना खुश, बोला एक सार्जेंट बोला इसकी तो मैंने धक्का मारे खत्म कर, उसको पुराने कमांडर को क्या होता है फोन कर, बोला हेलो कमांडर हाउ आर यू, बोला ओके फाइन सर, हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस, बोला ठीक, बोला सर दैट कमांडर ऑफ दैट सार्जेंट ऑफ योर्स आई हैव टॉट इन अ गुड लेसन एंड ही विल नेवर रिपीट टू गैम्बल अगेन, बोला सर व्हाट हैपेंड टू हिम, आपने क्या किया, तो बड़ा गैम्बलर था, वो अपना पूरा इंसिडेंट बताता है, बोला ऐसी ऐसी बात थी और मेरे को बोलता है मेरे दिल था पूरी, मैं अगले महीने की पूरी तनख्वाह आ गया, और पुराना कमांडर सुनते कहता है ओ सर व्हाट हैव यू डन, ये क्या किया आप, बोला आप तेरे को क्या हो गया, बोला सर वही सार्जन यहाँ जाने से पहले मेरे को शर्त लगाया गया था कि अपने नए स्क्वाडन की नए कमांडर की स्क्वाडन ज्वाइन करते वक्त 5 मिनट में शर्ट करवा।